subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. ये रिश्ता क्या कहलाता में किस तरह कार्तिक और नायरा दोनों एक ऐसी उलझन में फंस चुके हैं जहां पर इनसे निकलना हो चुका है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। मान लीजिए कि एक दलदल है जिस दलदल में नायरा घुसती चली जा रही है और वेदिका इसमें और भी ज़्यादा धक्का मारने वाला काम कर रही है। जी हाँ, अगर रिसेंट ट्रैक की ओर नज़र डालें तो नायरा और वेदिका के बीच में बातचीत होगी और इन दोनों के बीच में एक ऐसा मामला सामने आएगा कि कार्तिक टूट कर बिखर जाएगा। दरअसल वेदिका ये जानेगी कि कार्तिक नायरा के साथ है और नायरा कायरव और कार्तिक तीनों के तीनों सिंघानिया हाउस एक साथ लौटे हैं तो वेदिका की हालत हो जाएगी खराब और वेदिका चली जाएगी वहां से और अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, जहां पीछे पीछे नायरा भागेगी और नायरा वेदिका का हाथ पकड़ कर बचा लेगी। जहाँ इन दोनों के बीच में बातचीत होगी और बातचीत का सीन नहीं दिखाया होगा, सीधा डाइवोर्स की कहानी आ जाएगी जिस डाइवोर्स पेपर पर नायरा के सिग्नेचर होंगे और कार्तिक इन सिग्नेचर वाले पेपर्स को देखकर हो जाएगा हैरान। जहाँ कोर्ट में एक साथ दो दो केसेस होंगे, एक तो कस्टडी के तो दूसरा डाइवोर्स इशू के। इसी के साथ ये भी बता दें कि वेदिका और नायरा के बीच में बातचीत होने वाली है कार्तिक के लिए, जहाँ वेदिका का पॉजिटिव रोल देखने को मिल सकता है आपको। जिस तरह एक बार स्वर्णा और कार्तिक के बीच में बातचीत हुई थी और इन दोनों की बातचीत से नायरा की ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी कुछ पल बाद, वैसे ही वेदिका और नायरा की लड़ाई झगड़े की ज़िंदगी में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, जहाँ वेदिका जाते जाते कार्तिक और नायरा को ढेर सारी खुशियाँ दे जाएगी। अब आगे क्या सच है क्या झूठ है अभी ऑफिशियल कोई खबर नहीं आई है, लेकिन हम आपको जल्द ही इसकी पूरी पुष्टिकरण देंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।